हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आरओ वाटर सफर चैनल। और ये देखिए गीजर, ये तो मेरा आरओ सिस्टम है, ये गीजर है और ये गैस गीजर है। आप देख सकते हैं इधर सारा जाली लगा हुआ है ताकि इसके अंदर कोई चूहा वगैरह घुस करके इसको, इसका जो वायर है इसके अंदर का, उसको क्षतिग्रस्त नहीं करे। और बाद बाकी आप देख सकते हैं ये पूरा आरओ का जो स्टेम एल्बो होता है 3x8 इंच का, उसका मैं सारा कनेक्शन कर रखा हूँ। इससे पहले की वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया था। और इस बार जनरली मेरे साथ क्या हो रहा है, जैसे आप देख सकते हैं जबकि गैस ऑन है, गैस का जो सिलेंडर है वहाँ से जो रेगुलेटर लगा हुआ है वहाँ से ऑन है, लेकिन इसमें कोई स्पार्किंग नहीं हो रहा है। तो ये हमारे यहाँ बराबर प्रॉब्लम होता है। जो पानी है यहाँ पे, पानी ऐसा नहीं है कि कम आता है, लेकिन जनरली यहाँ पे हम लोग रेंट पर रहते हैं और 3 फ्लैट रेंट पर लगा, और 1 फ्लैट में खुद मकान मालिक रहते हैं। तो पानी का कंजम्पशन चाहे ठंड का मौसम हो या बारिश का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, काफ़ी यहाँ पे इतना किल्लत हो जाता है कि जनरली अगर पानी इसको लो प्रेशर में मिलता है तो ये ऑन ही नहीं हो पाता है। इसलिए मैंने इसमें अलग से एक सिस्टम लगाया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वही शेयर करने जा रहा हूँ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो कृपया से ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं, देखिए मैंने इसमें क्या सिस्टम लगाया है और कैसे चालू होगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसे सिस्टम में पावर ऑन करके जो जनरली आर ओ सिस्टम में होता है, और पहले हम स्विच ऑन करते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं। और देखिए मैंने स्विच ऑन कर दिया है और ये आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो चुका है गैस गीजर। और इधर से इससे फ्लेम दिखता है, मैं आपको भी दिखा सकता हूँ। देख सकते हैं आप, इससे फ्लेम आना शुरू हो गया है। और मैं फिर से आपको ऑफ करके दिखाता हूँ इसको। और देखिए इससे फ्लेम आना बंद हो गया है। मैंने इसमें क्या सिस्टम लगाया है मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा। और आप देख सकते हैं इसमें जो मैंने सिस्टम लगाया है उसमें ये है आर ओ वाटर प्योरीफायर में यूज होने वाला अडाप्टर मल्टीप्रो ब्रांड का, और एक ब्लू सेल का बूस्टर पंप, और ये है NRV, और ये है हाई प्रेशर स्विच। और इसका मैंने DC से ही कनेक्शन किया है इस हाई प्रेशर स्विच का। आप देख सकते हैं ये जो पानी आ रहा है कितना तेज़ी से आ रहा है अल्ट्रा बूस्ट हम लोगों के कारण। अब पानी इतना ही गर्म है जितना हमें ज़रूरत है। और देखिए जैसे यहाँ से बंद करेंगे मेरा बूस्टर पंप बंद हो जाएगा। आप देख सकते हैं मेरा बूस्टर पंप अभी ऑफ है, और उसमें हाई प्रेशर स्विच के कारण जो कभी कभी उसमें ये हो रहा है उसको भी एडजस्ट किया जाता है, उसको भी मैं किसी वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। अभी मैं फिर से पानी ऑन करता हूँ, देखिएगा बूस्टर पंप ऑन हो जाएगा। और आप देखिए पानी ऑन करते ही बूस्टर पंप ऑन हो चुका है, और जैसे ही मैं बंद करूँगा फिर से ऑफ हो जाएगा। जैसे मैंने पानी बंद कर दिया, देखिए मेरा बूस्टर पंप बंद हो चुका है। तो इस ढंग से आप आरओ पंप और अडेप्टर के हेल्प से अपने गैस गीजर को रेगुलरली यूज कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मुझे यही शेयर करना था। यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, कृपया इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।